नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ खस्ता बिस्किट। बबुई घर पे कम सामान में और बिना माइक्रोवेव ओवन की, तो चलिए बनाते हैं। बिस्किट बनाने के लिए पहले एक बड़ा कटोरा ले लीजिए, उसमें अंडे को तोड़ के डाल दीजिए। उसके बाद पाउडर चीनी को डाल के अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप कुकिंग ऑयल 1 कप डाल के फिर से मिक्स करते रहेंगे। आप लोग कुकिंग ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप मैदा को भी छान के ले लूँगी, जितना ज़रूरत उतना। उसके बाद अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके हाथ से ही डो बना लेंगे। डो बन गया है। आप प्लेट में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के हाथ से फैला लूँगी। आप बिस्किट को देखे गए इस शेप में बना लीजिए, और 2 बिस्किट अलग शेप में बनाएंगे, उसको भी देखाऊंगा। बिस्किट बनाना कितना आसान है, जल्दी से बन जाता है बिस्किट। बिस्किट बनाने के बाद मैंने मूंगफली की दाना को पहले से ड्राई रोस्ट करके रखा था। आप बिस्किट के ऊपर चिपका देंगे एक एक करके। तवा मैंने पहले से गरम करके रखा था। अब बिस्किट की प्लेट को रख के बड़ा बर्तन लेके ढक दूंगी 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में। 25 मिनट हो गया है, आप खोल के देखेंगे हो गया है बिस्किट। आप निकाल लूँगी। कितना आसान है बिस्किट बनाना, जब बच्चे घर पे ही बिस्किट बना के खा सकता है, ये बच्चे भी पसंद करेंगे। आप तोड़ के देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा बिस्किट बना है, वो भी घर पे। आप लोग भी बना के खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।